बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। वीएचपी ने कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो हम बांग्लादेश की स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं। बजरंग दल और वीएचपी हर स्थिति के लिए सक्षम हैं। हम तैनाती के लिए भी तैयार हैं। हिंदू बेचारा नहीं है, हर स्तर पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के मध्य भारत प्रांत मंत्री राजेश जैन ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना है वहां पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे भारत की शरण में बैठी हैं। बांग्लादेश भारत का अंग रहा है, पहले वहां 33% हिंदू थे, 8% ही रह गए हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं की स्थिति को लेकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है। अभी वो संगठन कहाँ है जो मोमबत्ती लेकर निकलते थे? हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से मांग करता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व हिंदू परिषद जब भी कोई हिंदू समाज के ऊपर आपत्ति विपत्ति ऐसी कोई घटना घटती है तो त्वरित आप लोगों को कष्ट देता है और आप हम सबके आग्रह पर इस संख्या में उपस्थित होते हैं, उसके लिए एक बार पुनः पूरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सबका आभार। विषय आपके ध्यान में है कि अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बांग्लादेश में जो घट रहा है, वहाँ पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है और वहाँ से जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी वो वहाँ से अभी भारत में शरण लेकर बैठी हैं और किसी अन्य देश ने उनको शरण नहीं दी। बांग्लादेश क्योंकि भारत का ही अंग रहा है और जब बांग्लादेश बना तब लगभग 38% हिंदू वहाँ थे, जो धीरे धीरे कम होकर 8% रह गए और जो 8% रह गए वो आज जिस स्थिति में है उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनके साथ घट रहा है उसके साथ ये ध्यान में आता है कि जितने भी संगठन जब कोई किसी अन्य समाज के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो त्वरित मोमबत्ती लेकर दिए जलाकर या प्रदर्शन कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने हिंदुओं का वहाँ पर नरसंहार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू परिवारों को लूटना, उनकी अस्मिता लूटना, ये सब होने के बाद ये ऐसे मानवाधिकार वाले जो संगठन है वो कहाँ है? तो विश्व हिंदू परिषद केंद्र से भी मांग करता है कि हमारे जितने भाई वहाँ पर हैं उन सब की सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा ही बनता है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से वो कदम उठा रही है कि वहाँ पर अपने हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं वो ना घटे और उनको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है उसका प्रयास कर ही रही होगी, पर विश्व हिंदू परिषद भी आज केंद्र सरकार से मांग करता है कि अपने सभी हिंदू जहाँ भी रहते हैं देश में विदेश में वो सब संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, उनके ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। ऐसा एक प्रयास विश्व हिंदू परिषद आज आपके माध्यम से भी आम समाज से भी आग्रह करता है कि वो आगे आए, अपने हिंदू परिवारों के ऊपर जो बीत रहा है वो ना बीते, ऐसी घटनाएं ना हो, इसमें हम सबकी संवेदना तो रहे ही रहे, हम सबका मॉरल सपोर्ट तो रहे ही रहे, पर कहीं जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी विश्व हिंदू परिषद की या हिंदू समाज की हम सब आगे आकर उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।